राम राम जी, कैसे आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबका दोस्त यीशु गुजर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हम कोविड वैक्सीन लगवा रहे हैं उसके बाद हमें क्या बेनिफिट हो रहे हैं और हमें क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं। पूरी बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तभी आप देख पाएंगे और कुछ समझ पाएंगे कि हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक और बात, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं गिव अवे करूंगा, उस गिव अवे का विनर मैं अभी अनाउंस करता हूं। साथ में मैं आपको स्क्रीनशॉट शो करूंगा साइड में। जो इस गिव अवे का विनर है वो है कपिल। आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं आपके पास जो हमारी ओमेगा 3 थी वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम वैक्सीन लगवाएंगे वो हम कैसे लगवा सकते हैं। सबसे पहले तो जो हम हमारी ऐप है आरोग्य सेतु, उसके थ्रू रजिस्टर करके लगवा सकते हैं। और सेकंड, अभी गवर्नमेंट ने एक और तरीका निकाला है जिसमें हम ड्राइव थ्रू, मतलब अपने व्हीकल से जाकर, जो उन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं वहां पर जाकर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के वहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। अभी मोटे मोटे ये दो चले हुए हैं जिनके थ्रू हम लगवा सकते हैं। 45+ है जो उनका अलग है, वो इजीली जहां पर भी उनके सेंटर है वहां पर जाके लगवा सकते थे। बट कई कई जगह अभी ऐसा चल रहा है जहां पर उन्हें भी स्लॉट बुक करने पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं। अब जो मैंने वैक्सीन लगवाई है उसके बाद मुझे क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुए थे, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। हमारे इंडिया में कई तरह की वैक्सीन है जो अभी अवेलेबल है, जिनको आप लगवा सकते हैं। और डॉक्टरों की माने तो जो भी आपको मिल रही है वो लगवा लो। ये मत वेट करो कि हमें कोविशील्ड लगवानी है या कोवैक्सीन लगवानी है, ऐसा वेट मत करो। जो आपको मिल रही है उसको आप लगवा लो। अब बात करते हैं मुझे क्या फील हुआ लगवाने के बाद। जब मुझे वैक्सीन लगी थी उसके बाद थोड़ी देर बाद जहां पे वैक्सीन लगी थी वहां पे थोड़ा पेन स्टार्ट होने लगा था। उसके बाद शाम तक, मेरे को दोपहर को लगभग 2 बजे के आसपास वैक्सीन लगी थी, लगभग शाम को 7 से 8 बजे के आसपास थोड़ा फीवर स्टार्ट हो गया था, फीवर होना स्टार्ट हो गया था। और थोड़ा सर में भी दर्द था, सर में दर्द उसी दिन रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे जब रात को भी पूरा फीवर रहा था और अगले दिन भी मुझे फीवर रहा था। और साथ में फीवर के साथ साथ आपके ज्वाइंट्स भी थोड़े पेन करेंगे। ये मेरे साथ हुआ है, जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं अपना ही जो मेरे साथ बीती है वो मैं अपना रिव्यू दे रहा हूं। ये किसी की सुनी या अनसुनी बातें नहीं बता रहा हूं। जॉइंट भी पेन करेंगे, और जहां पर आपकी वैक्सीन लगेगी उस वाले पार्ट को, जैसे मेरे को यहां पे लगी थी तो यहां से शोल्डर से लेके एल्बो तक मुझे 3 से 4 दिन तक पेन रहा था। और जो आपके जॉइंट है उसमें भी आपको लगभग 2 से 3 दिन पेन रहता है। वो ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो गई है, हाथ पैरों में जान नहीं रहती है 2 दिन लगभग। और उसके बाद आपकी बॉडी रिकवर होने लगती है, तो ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ जितनी थी पहले उससे और फालतू हो गई है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा है। उससे भी आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी बिल्ड होती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप वैक्सीन लगवाए उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी है पैरासीटामोल, जो सभी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। जब भी आपको फीवर चढ़ेगा आप पैरासीटामोल ले, और कोई दवाई ना ले, सिर्फ एक यही पैरासीटामोल ले, क्योंकि सभी डॉक्टर यही सजेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं और लोगों की, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनका रिव्यू क्या था वैक्सीन लगवाने के बाद। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो उनका जो भूख थी वो बढ़ गई थी, और कुछ लोगों का ये था कि भाई मेरी भूख घट गई है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जितना मैं पहले खाता था उतना ही मैं अब भी खाता हूं। और एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली है, अगर किसी
को ये प्रॉब्लम आती है ना कि उसको भूख थोड़ी कम लगने लगी है। सो अपनी डाइट मेंटेन रखे तभी आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर पाएगी, क्योंकि वैक्सीन लगी है, फीवर चढ़ा है, तो बॉडी में एनर्जी डाउन होगी होगी, क्योंकि फीवर आपको नॉर्मल भी फीवर कभी भी चढ़ेगा तो उसमें भी आपकी एनर्जी डाउन होती है। सो घर वाले ये तब भी ये बोलते होंगे आपके कि कुछ खा ले एनर्जी आ जाएगी। सो कुछ खाओ, मेनली आप ग्रीन सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, तभी आपकी एनर्जी जल्दी रिकवर कर पाएगी। और फिटनेस वाले लोग जो भी वैक्सीन लगवाने के बाद वर्कआउट के बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। सो वीडियो जाकर देखे, आपको पता चल जाएगा कब आपको वर्कआउट करना है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक और बात जो ध्यान रखने वाली है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो ध्यान रखे, डॉक्टर स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि भाई 3 से 4 दिन आपको पीना नहीं है, दारू नहीं पीनी है, पीने वाली चीजें पीनी है, जूस पी सकते हो, पानी पी सकते हो, लेकिन ड्रिंक नहीं करनी है। सो आप उससे दूर रहे 3 से 4 दिन कम से कम, डॉक्टर ये बोलते हैं। और मैं अपनी सलाह करूं तो कम से कम आपको हफ्ते से 10 दिन आपको गैप करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन बोल रहे हैं तो अपनी ही सेफ्टी है अगर आप 7 से 10 दिन गैप कर लोगे, तो इसमें हमारा ही फायदा होने वाला, किसी और का फायदा नहीं होने वाला। सो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे से आगे फॉरवर्ड करो ताकि लोगों को, सबको पता चले और लोग इससे डरे ना, क्योंकि काफी लोगों में ये भी डर है कि पता नहीं इससे क्या हो रहा है। कुछ लोग अफवाह बना रहे कि मेरी ऐसी हालत हो गई, मेरी ऐसी हालत हो गई, बट ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात मैं बता दूं, क्योंकि कोई भी आप वैक्सीन लगवाओगे ना तो आपको फीवर आएगा ही आएगा। अगर आप एग्जाम्पल ले, अगर आप छोटे बच्चे को कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं, पोलियो की कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं, तो उसको फीवर चढ़ता ही है। उस टाइम भी डॉक्टर बोलते हैं अगर फीवर नहीं चढ़ा है तो वैक्सीन असर नहीं करेगी। ये बात यहां पर भी लागू होती है, अगर आपको वैक्सीन लगी है और फीवर नहीं चढ़ रहा है तो मान के चलिए कि आपको जो वैक्सीन लगी है उसने अपना असर नहीं किया है। और क्योंकि फीवर चढ़ना बहुत जरूरी है, कोई भी आप वैक्सीन उठा लो किसी भी तरह की, अगर वो आपको लगी है तो उसका फीवर आपको चढ़ेगा ही चढ़ेगा। सो फीवर ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो सकता, और ये ऑटोमेटिक उतर जाएगा 1 से 2 दिन में, सिर्फ आपको एक गोली लेनी है, पैरासीटामोल। सो घर पे रहे, सेफ रहे, और जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। सो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।